दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 नवंबर से पूरे राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धान खरीदी के लिए जिले में 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का किसानों को रजिस्ट्रेशन कराया गया है। धान खरीदी के लिए हर किसान को 3 टोकन जारी किए गए हैं। वहीं खाद्य विभाग ने किसानों को ट्रायल के रूप में टोकन भी जारी किए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया है कि 50% पुरानी वारदाने और 50% नए वारदाने धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के 94 उपार्जन केंद्रों में संपूर्ण तैयारी कर ली गई है और 1 तारीख से जो है तो लगभग 5 उपार्जन केंद्रों में धान आने की संभावना है। तो पुराने बारदाने में खरीदने की नए बारदाने सरकार ने बारदाने 50% नए बारदानों में खरीदी होंगी और 50% पुराने बारदानों में खरीदी होगी।